ये रस्सी इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से जला हुआ तो नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने जानबूझकर जलाया हुआ है। जानबूझकर जलाया है? देखिए ना, ये अंदर तक जला हुआ है। आज से 20 साल पहले भाभी जी की वजह से भाई साहब की जान बच गई थी, और पिताजी की वजह से हम अपने भैया को नहीं रास्ते से हटा पाए, और अब ये किशन हमारे रास्ते का रोड़ा बना हुआ है। अब हम इसको नहीं रास्ते से हटा पा रहे हैं, कुछ तो करना पड़ेगा। कौन हो सकता है? अरे संजय, लाग दिखाओ, दिखाओ तो। देखिए, देखो ना कि जलाया किसी ने। अरे नहीं नहीं भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं है। इस घर में ऐसा कौन करेगा? अब सब जानते हैं किशन इस घर का सबसे बड़ा लड़का है, सबका लाडला है वो। तो भैया भाभी तो अच्छे से जानते हैं कि हमारे होते हुए कोई किशन का बाल बांका नहीं कर सकता। हाँ, एक्सीडेंट है और कुछ नहीं है भैया, जाइए आप, हम देख लेंगे। चलिए जी, चलिए जी। ये डॉक्टर ने कुछ ज्यादा ही पोस्टमार्टम कर रही है, अभी तक तो ठीक है, कल जब उस पुलिस वाली को पता चलेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। मुझे कुछ भी रिस्क नहीं उठाना है, अब इस किशन का तो कुछ सॉलिड इंतजाम करना पड़ेगा। चीनी पत्ती थोड़ा ज्यादा हो गया, चाय बहुत बढ़िया बनाई तुमने। हो गया, पी लिए ना, काम पे जाओ अब। हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो। मेरा मतलब है आप लोग चाय पी लो आराम से, क्योंकि क्या है ना, अग्नि निकल चुकी काम के लिए, तो मुझे भी निकलना चाहिए वरना मैं लेट हो जाऊंगा। ध्यान रखना अपना, बाय। चलिए शाम को मिलते हैं, ध्यान से जाइए। अरे भाई साहब, हमें भी तो जाना है मीटिंग में। चाय हो गया? हाँ चलिए चलिए चलिए, हम लोग निकलते हैं। अरे इतनी भी का जल्दी है किशन बाबू, आइए बैठकर दो चार बातें तो करते हैं। चलिए आइए। आप लोग ऐसा कैसे घुस रहे अंदर? अरे किशन, जानते हो इनको, कौन है ये लोग? आओ किशन बैठो। मैं आपसे पहले भी ये बात कह चुका हूं कि ना तो मुझे आपसे डर लगता है और ना ही मैं आपके प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हूं। फिर चाहे आप किसी भी मिनिस्टर का सोर्स लगा लीजिए, बाकी दरवाजा वहां पे है, आप निकल सकते हैं। लगता है बड़ी जल्दी में हो बाबू। तुम नए हो इसलिए तुमको समझा रहे हैं, समझे? हमको वापस भेजना याने मंत्री जी को ना बोलना है, और याद रखना ये ना ना तुमको बहुत महंगा पड़ सकता है। इसलिए चुपचाप अपनी कीमत बताओ, वरना तुम जैसे को कैसे ठीक करना है, ये हमको बहुत ही अच्छी तरीके से आता है, समझे? गलत बात, ना तो मैं आपसे पैसे लेने वाला हूं और ना ही आपकी ये खोखली धमकी, इसीलिए निकल जाइए यहां से। रन्नी चगरो, क्या लगा मैं डर जाऊंगा तुमसे? रुको 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 रुको, अब हम दोनों के बीच कोई नहीं आएगा। अरे भाई साहब मार देगा। अरे नहीं, अब इसे हम अपने तरीके से समझाएंगे। रखो ना अभी, संभालो संभालो। भैया आप लोग क्या कर रहे हैं? इसकी तो दादी, हमें जाने दीजिए, दो सेकंड में ठीक कर देंगे इसको। चुप करो, बहुत गर्मी है ना तुझमें? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि किसी के माँ के सामने उसके बेटे पर गोली चलाऊं। नहीं प्लीज,
और तेरी किस्मत बहुत अच्छी है कि तेरी माँ यहाँ पर है, इसलिए तू बच गया। बाहर नजर आया ना तो गोलियों से भून दूंगा, समझा? चलो। साक्षी बेटा, पानी लेकर आओ किशन के लिए। ठीक है ना बेटा? I'm fine. ठीक है ना? तो बेटा तू पानी पी, आराम से शांत हो जा, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, घबरा मत। थैंक यू साक्षी। कौन लोग हैं ये गुंडे लोग, किस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं? छोड़िए ना, इनके पास और क्या काम है? हमको लगता है कि ये बात हमको जो है वो अग्नि बिटिया को बताना चाहिए। अरे नहीं नहीं, अग्नि बिटिया को ये सब बताने की जरूरत नहीं है, खामखा में परेशान हो जाएगी। ये बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन लाइन में ऐसे ऐसे हादसे रोज होते रहते हैं, क्यों किशन बेटा? दादी, आई थिंक चाचू बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं भी नहीं चाहता कि अग्नि को इस बारे में पता चले, पता चल गया तो खामखा परेशान हो जाएगी वो, वैसे भी उसके ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं। सो प्लीज मॉम, कुछ नहीं है मुझे, सी आई एम ऑल गुड, आई एम फाइन। मुझे बहुत डर लग रहा है। पर डरने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं होगा, शाम को आता हूँ, चाय पियेंगे, ठीक है? लेट हो रहा हूँ काम पे, ठीक है? ओके बाय, लव यू ऑल। हम बाहर तक साथ चलते हैं। आज अब होगा हमारा बरसों का सपना पूरा, किशन को रास्ते से हटाएंगे हम और इल्जाम लगेगा इस गैंगस्टर के सर पर। जी जी, जो हुआ उस हादसे से हम सब बहुत परेशान हैं, और अगर आप इस तरह से खाना पीना छोड़ देंगी, सोचिए हम सब पे क्या गुजरेगी। जी जी, जिद मत कीजिए, थोड़ा सा सूप पी लीजिए, सुबह से आपने कुछ भी खाया पिया नहीं है। छोटी, हमारे गले के नीचे कुछ नहीं उतरेगा, इसे ले जाओ। छोटी आंटी जी, दीजिए हमें। आंटी जी, आपने कहा ना आप हमें प्यार करती हैं, हम भी देखते हैं आप हमें मना कैसे करती हैं। चलिए मुंह खोलिए, आ पीजिए। एक कसम महाकाल की, ये तो अपने किशन का किस्मत अच्छा था जो उसको कुछ नहीं हुआ, वरना एक बात तो साफ हो गई, ये कांड जिसने भी किया है ना, वो बहुत शातिर दिमाग का है, बहुत चालाक है, वरना हमारे घर में घुस के इतना बड़ा कांड कर जाए, कसम महाकाल की उसको दोबारा मौका मिलेगा ना तो वो तो किशन को छोड़ेगा नहीं। पर हम उसे नहीं छोड़ेंगे, हमने फैसला कर लिया है, अपने किशन की लंबी आयु के लिए इस साल हम छठ का व्रत करेंगे। छठ? जी जी, ये आप क्या कह रही हैं? आप छठ का व्रत कैसे कर सकती हैं? हमारा मतलब है, ऐसी हालत में आप इतना कठिन व्रत कैसे कर पाएंगी? और हम है ना, हम करेंगे अपने किशन के लिए व्रत, हर साल करते हैं ना हम। क्यों, सिर्फ तुम्हें ही चिंता है किशन की? अगर तुम कर सकती हो व्रत तो हम भी कर सकते हैं। देवी, आप फिर से सोच लीजिए, ये व्रत बहुत कठिन है। हम ये बात बहुत पहले ही सोच लिए थे, और आज हमें ये संकल्प उठाने का सही कारण भी मिल गया है। चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने किशन के लिए छठ का व्रत करेंगे। अंकल जी, हम जानते हैं आप आंटी जी की सेहत को लेकर बहुत चिंता में हैं। हमारी माँ को तो हमने कभी देखा नहीं, लेकिन सुना है कि माँ के विश्वास में बहुत ताकत होती है। आप आंटी जी को मत रोकिए, इनको व्रत करने दीजिए। हम कहते हैं आंटी जी को कुछ नहीं होगा, हम देखभाल करेंगे ना इनकी। और हम भी है ना, हम रखेंगे जीजी का ख्याल। चलिए अब सब डिनर कर लेते हैं, कल से छठ शुरू होने वाला है। और कल नहाए खाए तो जीजी, आज आपको अच्छे से खाना पीना होगा, ठीक है? हम डिनर की तैयारी करने जाते हैं। और हम आपको सूप पिलाते हैं। लीजिए, पीजिए ना।
आखिर ये बेवकूफ औरतें फंसी गई हमारे जाल में। अच्छा है घर में सबका ध्यान छठ पूजा में लगा रहेगा और हमको मौका मिल जाएगा अपना काम पूरा करने का। बस उस पुलिस वाली का ध्यान भटकाने के लिए कुछ और सोचना होगा। हम उठाते हैं ना, आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? बादाम और किशमिश। आंटी जी वेरी गुड। और ये गाजर दीजिए। आंटी जी बादाम। बहुत बढ़िया। ये चावल। चावल चावल को भी हाथ लगा लीजिए। अरे जीजी अब आ गई चावल में जा। ये दूध है, ये दूध लो। अरे जीजी आप क्यों करवा रही हैं? हम लगवा देते ना, वैसे भी हमें आपकी तबीयत को लेके बहुत टेंशन हो रही है। आप अभी भी सोच लीजिए, आप ये व्रत मत कीजिए, कहीं आपकी तबीयत ना बिगड़ जाए। हमसे हमारी बेटी की बहू चुनने का हक तो तुम छीन चुकी हो, कम से कम उसकी लंबी आयु के लिए मुझे पूजा तो करने दो। अरे अग्नि बिटिया आओ ना, जरा हमारी मदद कर दो खीर बनाने में। जी साक्षी बेटा। जी आंटी जी मुझे मेरी पसंद का खीर बनाने में मदद करोगी? बिल्कुल आंटी जी, आप जैसा कहेंगी हम वैसा ही करेंगे। इस अग्नि के चक्कर में हम बढ़ चढ़ के हाँ तो बोल दिए हैं, अब खीर कैसे बनाएंगे? हमें तो ठीक से पानी उबालना भी नहीं आता। अब आंटी जी अगर आप कहे तो हम खीर बना दें। तुमसे हो पाएगा? हमारे कहने का मतलब है कि तुम्हारे हाथ में हमने हमेशा बंदूक गोली छड़ी हथकड़ी बस यही सब देखा है, इन हाथों में ये कलछी कढ़ाई ये सब चल पाएगी? इनसे ना हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा जीजी? आखिर हमेशा से इसने अपना और अपनी जरूरतों का ख्याल अकेले ही तो रखा है, फिर खाना बनाना कौन सी बड़ी चीज है। खैर बताइए सब काम हो रहा है ना ठीक से? अच्छा ऐसा है कि सबसे पहले खीर तैयार करके मंदिर में भिजवानी है। अब ऐसा करते हैं कि दोनों को खीर बनाने पे लगा देते हैं। ज्यादा खीर बनानी है इसलिए दोनों बनाएंगी। बिल्कुल सही कहा आपने अम्मा जी। अग्नि बिटिया कमाल की खुशबू आ रही है तुम्हारी खीर से। थैंक यू दादी। हाँ साक्षी बिटिया तुमने तो बड़े करीने के साथ काम किया है, लगता है बहुत ही नाप तोल के खीर का स्वाद आएगा। जी केडी। हाँ साक्षी बेटा तुम चीनी थोड़ा और बढ़ा दो। जी नीचे से चलाओ नीचे से। हाँ ताकि खीर लगे नहीं। आंटी जी सबसे जरूरी काम।
हम चाहते हैं आप इस करछी को अपने हाथ से छुइए। एक बार आपका हाथ लग जाएगा तो प्रसाद सफल हो जाएगा। जरूर पिछले जन्म में हमने कोई पुण्य किया होगा जो इस जन्म में हमें तुम्हारी जैसी बहुत प्यारी बेटी मिली। सो तो है। लीजिए। बहुत बढ़िया। अब खीर बन गया है तो दोनों खीर बर्तनों में निकालो और मंदिर में भेज दो पहले। ओह नो। क्यों? भैया और होने वाली भाभी सिर्फ एक ही पत्तल बचा है और वो भी कुछ ऐसा ऐसे कैसे हो गया? मैंने तो सारे पत्तल अच्छे से देख के ही रखे थे। इट्स ओके okay, कोई बात नहीं, हम प्लेट में खा लेंगे। एब्सोल्युटली नॉट, नॉट एट ऑल। तुम बिल्कुल वैसे खाओगी जैसे हम सब खा रहे हैं। इनफैक्ट हम दोनों एक ही पत्तल में खाएंगे क्योंकि कहते हैं कि एक ही प्लेट में एक ही पत्तल में खाने से प्यार बढ़ता है। जी हाँ अग्नि बेटिया, किशन एकदम सही कह रहा है। छठ का जो प्रसाद रहता ना वो पत्तल में ही खाया जाता है, तभी उसका पवित्रता जो है वो बना रहता है। पहले सब लोग भगवान का नाम लो। पहले देवी और याशी, तुम लोग शुरू करो। जी बड़ी माँ। अग्नि शुरू करो। सुनो ना, हम लोग भी ऐसे साथ साथ खाए ना, एक प्लेट में प्यार बढ़ता है। तो पहले ही तुम्हारा प्यार ओवरफ्लो हो रहा, जब जब खा लो ना। अरे मम्मी, गुस्से में सब खा जाओगे क्या? हमारे लिए कुछ बचाओगे कि नहीं? बकवास बंद करो और चुपचाप खाओ अपनी पत्तल का। बचेगा तो खाऊंगा ना। कहाँ डांट रही हो बच्चों को? तुम भी चुपचाप खाओ। अरे आंटी जी, आपको पानी नहीं दिया? एक मिनट, हम अभी लेकर आते हैं। सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गया। कोई बात नहीं, हम चेंज करके आते हैं। ओहो, सो सॉरी। हर बार इसी तरह हम तुम्हारे और किशन के बीच दूरियां बढ़ाते रहेंगे।